तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करने वाले कि लव जिहाद क्या है। मैं वहाँ पे उससे मिली थी तो उसने अपना नाम यश बताया था और अब जाके 4 महीने बाद पता चला कि वो तनवीर अख्तर है। और उस बीच में होली पड़ती थी तो होली के टाइम पे उसने मेरी कुछ फोटोज निकाल ली थी जिसको दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल करता था वहाँ पे। और वो मुझे, मैं वहाँ पे ना पुलिस के पास जा सकती थी ना कुछ और कर सकती थी। वो उसकी जगह थी, वो कहता है कि वो पुलिस को पैसे खिला देगा, वो ये सब चीजें कर देगा तो उसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नाम क्या भाई था? कड़ी कराना रहा यूपी का जिला बिजनौर। बिजनौर में? अरे वो पनीम ठीक रहा था ना? बढ़िया। मैं एक लड़की साइड पे, दो लड़की साइड पे देखी। अच्छा, इन दो की? अच्छा। और जी जब जी आप करने का काम हमारा। अच्छा। और जी हमें 50,000 रुपए मनसी की तरफ से मिलते हैं। किस चीज के लिए मिलते हैं 50,000 रुपए? लड़कियों को लव जिहाद करने का, उन्हें प्रेगनेंट करने का। बीचने के बाद? इनको प्रेगनेंट करने के बाद भाई बेचने का। अच्छा काम हुआ। अच्छा, और इससे आज तू क्या करने आया था? फिर यहाँ एडमिशन लेने आया था। इसके साथ भी यही था साथ। अभी बहुत सारे केस चल रहे कि लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ लव जिहाद होता क्या है। प्रॉपर इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि लव जिहाद क्या होता है। एक्सप्लेनेशन तो नहीं लेकिन एक्सपोज करने वाला हूँ। एक एक्स कम्युनिटी के लोग अपने धर्म वाले को पैसे देते हैं कि आप किसी और धर्म की लड़की को प्यार में फंसा के उसे प्रेगनेंट करके, अब देखो लड़की जब प्रेगनेंट हो जाएगी तो उसे शादी करनी पड़ेगी, शादी करने के लिए वो करते हैं धर्म चेंज, कुछ रुपए देते हैं कि वो उनका धर्म चेंज कर सके। अब धर्म चेंज कैसे कर सके वो तो आपको पता चल गया होगा, अब इस पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो जैसे ही धर्म चेंज हुआ बस उनको पैसे मिल जाते हैं। अब ये हर जगह वीडियो वायरल चल रही कि लव जिहाद रोको, लव जिहाद रोको। लव जिहाद हमेशा कोई रोक ही नहीं सकता है जब तक खुद लड़के नहीं समझे कि लव जिहाद होता क्या है। लव जिहाद वो वह सच्चाई है जो सबको पता होना चाहिए लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। मान लो एक एक्स बंदा आपसे बहुत प्यार 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 बातें की, 3-4 महीने बाद से बातें की, मान लो वो लड़का लड़की फिजिकली हो जाते हैं, देन उसके बाद की लड़की हो जाती है प्रेग्नेंट और यही उनका मेन टारगेट होता है कि लड़की प्रेग्नेंट हो जाए। अब प्रेग्नेंट होने के बाद अब वो बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये है ये है ये है, शादी कर लो। लड़की मान जाती ठीक है भाई, इसे सामने से बोला शादी करेंगे तो मैं कर लेती हूँ शादी। शादी करने जाते तो वो इंटरेस्ट लाता है कि तुम अपना करो धर्म चेंज तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। लड़की यहाँ हो जाती है कंफ्यूज, अब उसे शादी करनी चाहिए कि नहीं? बच्चा तो उसका है, शादी तो करनी पड़ेगी। हिसाब से चाहूंगा कि यहाँ कंफ्यूज मत हो, वो तुमसे धर्म चेंज करें, धर्म अपना चेंज बिल्कुल भी मत करना। उसे प्यार होगा तो वो भी धर्म चेंज कर लेगा लेकिन उन्हें पता है हिंदू धर्म कितना पार्विक धर्म होता है, धर्म में कितने संस्कार होते हैं, धर्म में लड़कियों को देवी के रूप पूजा जाता है। कहना चाहूंगा कि गाइस अब्दुल ऐसा नहीं है, तब समझ ही गए कि फ्रिज के जो फ्रिज बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के फ्रिज आ रहे हैं आजकल। मैं बोल रहा हूँ इस देश का एक बच्चा भी ना, एक बच्चा बच्चा अपना इतिहास जान लेगा ना, मैं समझा रहा हूँ हर एक बंदा छत्रपति शिवाजी महाराज बन जाएगा। अपने कल्चर को अपनाओ, अपने संस्कृति को अपनाओ।